कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 7.12 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। इस बात की जानकारी तब सामने आई जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टोंक सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दरअसल सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से विधायक है। कांग्रेस ने इस बार भी उन्हें टोंक से मैदान में उतारा है। मंगलवार को पायलट ने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चे के साथ पायलट ने जो हलफनामा दायर किया है उससे उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। 2018 के मुकाबले सचिन पायलट की संपत्ति 10% बढ़ी है, हालांकि उनका कैश अमाउंट 6 गुना बढ़ा है। सचिन पायलट ने 2018 में अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 6,43,39,000 बताई थी, लेकिन अब उनकी संपत्ति 7,12,00,000 रुपए है। 2018 में उनके पास उनके 51,000 रुपए कैश थे, जो अब करीब 6 गुना बढ़कर 2.95 लाख रुपए हो गए हैं। हलफनामे के मुताबिक सचिन पायलट के पास 1,41,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। 2018 में उनके पास 3,43,00,000 की अचल संपत्ति थी, तो वही 2018 में उनके पास 2,99,00,000 रुपए की भी चल संपत्ति थी, जो इस बार बढ़कर 5,71,00,000 रुपए हो गई है। साथ ही अपने हलफनामे में पायलट ने बताया कि उनके पास कोई वाहन नहीं है, उनके पास एक 10 ग्राम सोने की चेन है और 4 ग्राम सोने की अंगूठी है और पायलट ने किसी तरह का कोई लोन भी किसी से नहीं ले रखा है। टोंक से सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सचिन पायलट ने कुल 3 हलफनामे भरे हैं, जिसमें सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा बताया है। साथ ही पायलट ने अपनी कुल आय 64,00,000 रुपए बताई है। इस हलफनामे में सचिन पायलट ने अपने और अपने दोनों बच्चे आरन पायलट और विहान पायलट का भी जिक्र किया है। वही आपको बता दें, इस हलफनामे में सारा पायलट की संपत्ति का कहीं कोई विवरण नहीं दिया गया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।